गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आप सभी का रोजी नीतू की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो भी काम वाम है हम करेंगे, और मेरे को डांस क्लास भी आज जाना है क्योंकि आज सर आने वाले हैं, तो डांस क्लास जाना है। और मेरा नहाना वहाना सब कंप्लीट हो गया है, बाबू को लाना है और उसके बाद फिर डांस क्लास जाना है। और डांस क्लास से आके फिर जो भी काम है हम आपको दिखाते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। एक्सरसाइज हो रहा ना। और छोटे बच्चों का एक्सरसाइज हो रहा है। पैर को फोल्ड नहीं करना। पैर उठाना नहीं है बेटू, ऐसे ही करना है, तभी तो प्रैक्टिस करो। देखो देखो पैर सीधा ना, नहीं पैर उठाना नहीं है। कोशिश करो, कोशिश करो, पैर उठाओ नहीं बेटा, झुको। हम लोग आ गए, डांस क्लास खत्म हो गया। इधर रानी बैठी है, साथ ही इधर कंचन स्टाइल मार रही है, और नेहा इधर है। डांस किया आज, मेरी मामी कैसी भी देखती है वीडियो। और हम लोग का डांस कंप्लीट हो गया, थोड़ा हम लोग मस्ती कर रहे इधर बैठ के, है ना। इधर इधर डांसर है हम लोग का, थोड़ा डांस करके दिखाना है। हॉट लग दी उधर। एक है मोनी का डांस, जिसको जिसको देखना है पूरा 500-500 रुपए लुटाइए। ए ए मैं इधर ऐसे करती हूँ। अरे ऐसे रुक जा, रुक जा, हाँ रुक जा, तुम सही में रुक जा रानी, रुक 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 रुक। नहीं नहीं सही में मजा आएगा। एक साल में ये पकड़, ये पकड़, हाँ उसके आज चॉकलेट खाएंगे मेरे पकड़े बिना। हो गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया पैसा। अब इस पैसे से हम लोग पार्टी करेंगे। मेरे फ्रेंड का हम लोग जा रहे हैं अभी दुकान। बल्ले 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 करेंगे, बल्ले बल्ले बल्ले। मोनी जा रही किसी को खोजने। वो लेके दे तुम, चलो क्या लेना है। कंचन 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 ले लीजिए, आप वीडियो बना लीजिएगा, हम तो सूची लेकर तो आइए हम दिखाते हैं सब्जी वाला जो शॉप है वो। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड लोग हैं, सब्जी लेने आई है और एंजॉय भी कर रही है। ये हमारा कॉलोनी का है सब्जी मार्केट। सब्जी दिखा देते हैं, कौन सा साग है भैया? बथुआ साग। बथुआ साग साग ले भाई, आप मारेंगे तो देखे कि नहीं बहुत कम्बल होगी। ककड़ी ककड़ी खीरा की शिमला में कैप्सिकम कैप्सिकम, ये पत्ता गोभी है, ये फूल गोभी है, ये गाजर है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, ये मूली, ये पपीता,
वीडियो पे आ गया, सब लोग पहचान गए किसको क्या बोलते हैं। ये देख लीजिए प्लॉट टू का सब्जी मार्केट है। ये मटर है, मटर मटर आ गया है। शादी के मौसम में अच्छा लगता है। हो गया ये नींबू है, बहुत खट्टा है। तो यहाँ नवनीत का डांस हो रहा है, मतलब सब अच्छे लोग मिल के डांस वांस कर रहे हैं। इन लोगों को कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी हुआ था, तो सारा हम ब्लॉग में कैप्चर किए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। सारे बच्चे पूरा मगन है डांस वांस करने में और सारे मस्ती भी कर रहे हैं। नवनीत तो फुल मस्ती में फुल इंजॉय कर रहे हैं और सर भी बोले हैं कि जितना डांस सिखाए हैं बस सारे बच्चों को, अगर आप लोग कंप्लीट कर लोगे गुरुवार तक तो आप लोग को प्राइज मिलेगा, जो अच्छा करेगा उसको प्राइज मिलेगा। तो इसलिए सारे बच्चे एक्साइटमेंट है और नवनीत भी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है। बोलता है मम्मा मेरे को रोज़ सीखना है, जल्दी से सीख जाएंगे तो मेरे को प्राइज मिलेगा। तो इसलिए नवनीत भी अभी देखते हैं, आज तो बोला है पर देखते हैं कल से क्या करता है, सीखता है कि नहीं। आइए आप लोग बच्चे लोगों के साथ एंजॉय करिए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। सर भी करा रहे हैं बोलो तो, और वो लोग देखो मस्ती है। नवनीत भी एंजॉय कर रहा है, सर भी एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को सिखाते हैं तो सर भी बोलते हैं मज़ा आता है छोटे बच्चों को सिखाने में। तो हम लोग का तो फाइनल जो हम लोग बेटू नवनीत बनाने वाला है, क्या बनाने वाला बेटू? अपम। कैसे बनाएगा सोनी? ऐसे डालेंगे। तो अच्छे से डालना है, ठीक है? ठीक है अब्बा। उसको टच नहीं करना है, वन वन स्पून डालो। रुको रुको, भरो पूरा डालो, एक में डालो इसमें। इतना थोड़ा थोड़ा डालेगा तो कैसे होगा? चलो भर के लो, बीच में डालना है बेटा, बस बस। फिर दूसरे में डालो, फिर और दूसरा में डालो, ज्यादा लो ना, ज्यादा लो। हाँ अभी डालो, तो बस डालो। आज हम रात का खाने में बनाए हैं, ये देखिए वेजिटेबल राइस। हम बैक कैमरे से ये देखिए, ये वेजिटेबल राइस बनाए हैं। और अभी हम नवनीत के लिए खाना निकालने जा रहे हैं। नवनीत को भूख लगा है और टाइम भी हो गया है बहुत ज्यादा। तो जिसको जिसको खाना है वेजिटेबल राइस वो आ जाइए मेरे घर। बहुत सारा चीज़ डाला हुआ है, गोभी, काजू, किशमिश, आलू, और इधर है रायता, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ना बिना रायता का तो मज़ा नहीं आने वाला है, मानते हैं कि नहीं आप लोग? और हम मिर्ची नहीं डाले हैं इसमें रायता में नवनीत की वजह से, क्योंकि बाबू को ज़्यादा मिर्ची वाला पसंद नहीं है। तो आइए हम चलते हैं, नवनीत को खाना दे देते हैं, उसके बाद हम भी अपना खाना निकालेंगे, खाएंगे और सोएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है आज हमको। खा लो बेटो। स्पून दे। तो नवनीत को एक चम्मच दे देते हैं। खाना खाने के बाद आप लोग से मिलते हैं। सुबह टिफिन के लिए हम पूरी मतलब बनाने वाले हैं, मटर का पूरी। तो ये देखिए उसके लिए ना हम दरदरा सा मटर, ग्रीन मटर जो है उसको हम पीस लिए हैं, और इसमें थोड़ा धनिया पत्ता कटिंग करके डाले हैं, एक चम्मच तेल और आधा छोटा चम्मच मतलब हल्दी, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, और ये सब डाल दिए। और मटर में बस हम कुछ नहीं, एक हरी मिर्ची और 4 से 5 कली लहसुन इसको मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको ना ऐसे मिला लेंगे इन सभी चीज़ों को, अच्छे से मिलाना है, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के
इसको सख्त आटा गुथना है। जैसे पूड़ी का हम लोग आटा कैसे बनाते हैं वैसे ही हार्ड आटा रहेगा ये। तो ये देखिए ये सब मिक्स हो गया। बहुत लोग मटर का कचौड़ी बनाते हैं तो हम ये मटर का पूड़ी बनाने वाले हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सख्त आटा इसका हम लगा लेते हैं। देखिए आटा हम गूंथ के इसमें रख लिए हैं। अगर आपको बनाना है तुरंत तो इसको ढक के 20 मिनट के लिए रख दीजिए और फिर पूड़ी बना सकते हैं। लेकिन मेरे को तो सुबह बनाना है तो हम इसको ढक के और फ्रिज में रख देंगे। थोड़ा सा दूध था तो वो फट गया तो हम सोचे इसको वेस्ट क्यों करेंगे, थोड़ा चीनी डाल के और इसको ये बना दे रहे हैं। नवनीत के पापा खा देंगे, वैसे तो वो मीठा छोड़ दिए हैं पर थोड़ा सा मेरा तो दूध वेस्ट होगा इसलिए हम इसको बना दिए। और ये रायता है वो पता नहीं कितने बजे आएंगे, ढक देते हैं। और ये वाले दूध को भी हम फ्रिज में डाल देते हैं तो क्या पता ये भी फट जाए। वैसे ठंडा का मौसम है पर पता नहीं क्यों फट गया था दूध, इसको फ्रिज में रख दिया हम। और इसको चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया है, लगभग हो ही चुका है। थोड़ा सा और इसको पकाएंगे तो ये पक गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में, इसको निकाल दिए हैं। और ये वाला जो बर्तन है ना इसमें हम पानी भर के रख देंगे क्योंकि दूध जो है थोड़ा पकाए हैं तो ये हो गया, इसको सुबह तक में अच्छे से फूल जाएगा इसलिए इसको रख देते हैं। अब मेरा सारा काम तो कंप्लीट हो गया, खाना वाना बन गया है और मिस्टर के लिए रख दिए हैं। और सुबह मेरे को चिया सीड्स तो सुबह मेरे को चिया सीड्स पीना होता है तो इसके लिए इसको अभी हम भिगा के रखते हैं। तो हम इसको डब्बा को खोल लेते हैं और जो नहीं देखे होंगे उनको हम दिखा देते हैं कैसा होता है। ये देखिए ये ऐसा होता है। अब इसको हम 2 चम्मच को डाल देंगे पानी में। ये देखिए एक और ये 2, ढक्कन बंद कर देंगे। हम इधर रख देते तो मैं देखी कितना डब्बा ओवन सब किचन पूरा भर गया। इतना बड़ा किचन होने के बावजूद भी देखे, कल थोड़ा हम घर भर सफाई करेंगे नवनीत के स्कूल भेज के। अभी इसमें हम डाल देते हैं पानी ताकि ये सुबह तक अच्छे से फूल जाए। देखिए पानी डाल दिए, अब इसको थोड़ा हम मिला देते हैं। मेरा हो गया है, अब इसको हम रख देंगे और चलते हैं लाइट वाइट ऑफ करके। सारा काम हो गया, किचन विचन का लाइट ऑफ कर देते हैं। इधर भी सब लाइट जल रहा है, सारा लाइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि वो पता नहीं कब तक आएंगे। फोन वोन ले लिए, अब हम चलते हैं सोने के लिए क्योंकि मेरा बेटू सो गया है। अब बस हम ही जगे हैं तो अब हम भी चलते हैं सोने। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।